दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और हमारी मुलाकात हो गई एक दूजे नाल। दोस्तों, अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर। आपको इसके लीड रोल में देखने को मिलेंगी मृणाल ठाकुर, रौनित राय और आदित्य राय कपूर। 2 मिनट 33 सेकंड का ये ट्रेलर है और इसको टी सीरीज प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूस कर रहा है। अब आपको ये मूवी कब देखने को मिलेगी? आपको ये मूवी देखने को मिलेगी सिनेमा हॉल में। पहली बात तो पहले मैंने सोचा ये OTT पे आएगी, पर लेकिन बाद में पता चला कि ये सिनेमा हॉल में रिलीज़ होगी और ये 7 अप्रैल 2023 को, मतलब आज से 15 दिन बाद ये मूवी रिलीज़ होने वाली सिनेमा घरों में। अब बात करते हैं ट्रेलर। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है, वहाँ पर दिखाया जाता है एक क्रिमिनल एक क्राइम कर रहा है, और किससे क्राइम कर रहा है? पेचकस से। जी हाँ, कुछ एक विलन वाली फीलिंग आई, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो 2 मिनट 30 सेकंड में स्टोरी समझ में आई, और सबसे बढ़िया बात जो है ना, मृणाल ठाकुर इसमें बनी है एज अ पुलिस के रोल में, और रौनित राय वो भी आपको पुलिस का रोल निभाते हुए दिखेंगे। वहीं पर जो क्रिमिनल है वो सिर्फ एक, आदित्य राय कपूर। अब इतना हैंडसम क्रिमिनल है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, चलिए ठीक है क्रिमिनल एक है तो सिंपल सा, जब हमने पूरी कहानी बता दी तो फिर मूवी देखने का क्या फ़ायदा, और 2 मिनट 33 सेकंड के इस ट्रेलर का दिखाने का क्या तुक। तो भाई जो यहाँ पर मज़े वाली बात वो ये है कि आदित्य राय कपूर यहाँ पर डबल रोल निभा रहे हैं, और एक आदित्य राय कपूर जो है वो सिंपल सीधा ऑफिस वाला बंदा है, और दूसरा दिखा रहा है थोड़ा सा टेढ़ा, इन द सेंस थोड़ा सा फनी टाइप का, थोड़ा सा लग रहा है सस्पेक्ट वो लग रहा है कि मान लो इसने क्राइम किया होगा ऐसा करके। पर ये तो 7 अप्रैल 2023 को देखने को मिलेगा कि आखिर में असली कौन है क्रिमिनल। एक खून हुआ है, दो लोगों ने किया है कि एक ने किया है, और आखिरी में ट्रेलर के एंड में ये पता चलता है वहाँ बेचारे एक जो आदित्य राय कपूर का, उसको रौनित राय जेल में बंद करते हैं, बहुत मारते हैं। तब तक दूसरा एक ऑफिसर आता है, पुलिस ऑफिसर, वो बोलता है कि भाई सर कुछ हो गई है गड़बड़। तो जब वो नीचे जाके देखते हैं तो देखने को क्या मिलता है कि और आदित्य राय कपूर नीचे बढ़िया मज़े से शांति से बैठा होता है। तो यार डबल रोल में पहली बार आप आदित्य राय कपूर को देखेंगे। दूसरी बात कि अब हम लोगों को देखना ये होगा कि कौन रहेगा असली क्रिमिनल, कौन है, और मृणाल ठाकुर पहली बार एक पुलिस ऑफिसर के रूप में देखने को मिल रही है, तो वो भी काफ़ी अच्छा उनका परफॉर्मेंस लग रहा है। अब ओवरऑल देखना ये होगा कि 7 अप्रैल को जब ये मूवी आएगी तो कैसा रहेगा इसका पूरी स्टोरी, क्योंकि देखो मज़ा तो आने वाली, क्योंकि अभी तक कन्फर्म नहीं होगा। आप भी जब ट्रेलर देखेंगे ना तो आपको कन्फर्म नहीं होगा कि आखिर में है हकीकत तो क्या। तो जब कोई केस इस तरह का होता है, कोई स्टोरी इस तरह की होती है, तो मुझे तो देखने में काफ़ी मज़ा आता है। तो अब देखना होगा कि 7 अप्रैल 2023 को जब ये रिलीज़ होगी तो आपको या मुझे ये स्टोरी और ये मूवी गुमराह, हम लोग को गुमराह करेगी या फिर कुछ अच्छे मज़े देगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मूवी वॉच एलियन को। मिलता हूँ इसी तरह के बढ़िया अपडेट्स के साथ अगले रिव्यू के साथ।